अजय जी, आजकल हनुमान जी को लेकर के ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है और आप ही के एक नेता ने कहा कि अब हनुमान जी मुसलमान भी हो गए हैं। मुक्कल नवाब ने कहा, देखिए हनुमान जी सभी के आराध्य हैं और सभी के पूज्य हैं। हनुमान जी विरोचित नायक हैं भारतीय धार्मिक पौराणिक आख्यानों के, हम उस रूप में श्रद्धा करते हैं। और मुझे लगता है देश में आगे कुछ न कुछ अभी मोदी जी के हाथों में बड़े काम होने हैं, उस काम के लिए अनुकूलता बनाने में ये हनुमान जी की गदा घूम रही है कि लोग अजीब अजीब वक्तव्य कर रहे हैं। सबकी दिशा ये एक है कि हनुमान जी ने सबका साथ दिया और हनुमान जी के भक्त मोदी जी सबका साथ दे रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, उसी राह पर चलना, हनुमान जी का आशीर्वाद। पंडित जी, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी कर 2000 का नोट इसलिए लाया ताकि वोट खरीदा जा सके आसानी से। अब ये बात तो उन्हें बहुत ही बड़ी प्रवंचना की बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू। जब नोटबंदी हुई तो चंद्रबाबू नायडू जी हमारे सहयोगी पार्टनर थे, उस दिन उनकी आंखें वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कहां बंद पड़ी थी। नोटबंदी ने इस देश में बहुत हद तक आतंकवादी नक्सलवादी गतिविधियों पर नियंत्रण किया, काले धन पर अंकुश पाया और नोटबंदी पर भारत सरकार के कदम सर्वथा उचित रहे। पंडित जी, कुछ एक्टर अब फिर से सामने आ रहे हैं जिनको भारत में अब डर लगने लगा है, नसरुद्दीन शाह का कहना है। हाँ, ये आपने बड़ा मौके का सवाल पूछा। नसरुद्दीन शाह अच्छे कलाकार हैं देश के, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी होता है ना, मनुष्य के अंदर कब कौन सा भाव जग जाए। आपको स्मरण होगा, आप सब युवा हैं, एक फिल्म थी सरफरोश, उसमें नसरुद्दीन शाह ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के संरक्षणकर्ता बास का रोल अदा किया था। मुझे लगता है कहीं न कहीं गलती से वो भाव उनके अंदर जग गया है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। पर्याप्त मैंने।